अगली खबर जबलपुर से है। जबलपुर शहर में अनेक क्षेत्रों में पानी की हाहाकार मची हुई है। अभी गर्मी की शुरुआत ही हुई है, उसके बावजूद नगर निगम प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा कि शहर के अनेक क्षेत्रों में जल संकट बेहद गहराता जा रहा है। यही हाल रहा तो भीषण गर्मी में शहर चटकार कर उठेगा, लोग बूंद बूंद पानी को तरस जाएंगे। प्रशासनिक अमला गहरी नींद में सोया हुआ है। आमजन की चिंता ना जनप्रतिनिधियों को है ना ही प्रशासनिक अमले को। यहाँ हफ्तों से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही, लोग मीलों दूर से गाड़ियों में साइकिलों से पानी ढोने को मजबूर है। यही हाल रहा तो क्षेत्रीय जनों का कहना है कि मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतर कर आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन होगी। समस्या है अपने यहाँ पानी की, भारी समस्या है। दो दो किलोमीटर रानीताल कहूँ, दीक्षितपुरा कहूँ, दमुना का यहाँ से पानी ला रहे, न शासन दे रहा ध्यान, न प्रशासन, न विधायक, न मंत्री, कोई फिर के झांक नहीं रहे। वोट जब वोट लेना रहता है, जब दौड़ के आते हैं कि वोट चाहिए, और भाजपा वाले अलग, कांग्रेस वाले अलग हैं, और यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। पानी के लाने आदमी तरस रहा कहूँ कहीं कहीं कहीं, आज 10-15 दिन से पानी नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा परेशानी है यहाँ। तो पीने के पानी को तरस रहे कि अरे पीने को नहा नहीं रहे, 4 दिन से बगैर नहाए खड़े हैं। पीने को नहीं मिल रहा पानी, नहाने की तो छोड़ दो। ये कौन सा क्षेत्र है आपका? ये चेरीताल नई बस्ती राजीव नगर बजरंगबली मंदिर के पास। क्या नाम आपका? हमारा लाला जायसवाल।